start the very first chapter of class 3, that is common and proper nouns. Before studying common and proper noun, we must know the definition of noun. As you have already read in earlier classes about noun, so just let's quickly revise the definition of noun. Noun is the name of a person, place, animal or a thing. Means noun kya hai? Name of person. Name of person like Abhinav, Aditya, Anjali. Name of places like Barkot, Uttarkashi, Nogaon. Name of animals like cat, dog, tiger, lion. Name of things like pencil, eraser, book, marker, board, etc. So here we are studying the two kinds of noun, that is common noun and proper noun. So we are studying the definition of these two types of noun. Common noun. Some nouns are general naming words. These are called what? Common noun. कुछ नाउंस क्या होते हैं, वो आपको जनरल नेम्स बताते हैं किसी पर्सन के, किसी प्लेस के, किसी एनिमल के या फिर किसी थिंग के. ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं. अब ये जनरल नेमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा किसी बॉय को लेकर आओ, वो क्लास से किसी बॉय को लेकर आओ, तो आपको मैंने बॉय बोला तो बॉय आपको पता लग गया कि किसी पर्सन को बुलाता है. नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन को डिपिक्ट कर रहा है बॉय, बट एग्जैक्टली आपको ये नहीं पता कि किस बॉय को यहाँ पर हमें लेकर आना है. तो बॉय ऐसा कैसा नाम होगा? कॉमन नाम. क्यों? क्योंकि बॉय का नाम हमें नहीं पता. ओके, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. सम नाउन्स गिव अस एग्जैक्ट नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स. ऐसे नाउन जो हमें किसी पीपल, प्लेस, थिंग के एग्जैक्ट नाम बताते हैं, ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आपको आदित्य को बुलाकर लेकर आना है, तो आदित्य आपका एक प्रॉपर नेम हो गया किसी पर्सन का, जहाँ पे आपको पता लगे कि एग्जैक्टली हमें किसे बुलाना है, आदित्य को बुलाना है. तो वैसे नाउन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. अब हम इन दोनों डेफिनेशन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब उन डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी है कॉमन और प्रॉपर नाउन की, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन एग्जांपल्स को समझेंगे. फर्स्ट, बॉय. अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा जाइए और उस बॉय को यहाँ पर बुला के लेके आइए आपके पास, ठीक है. अब आप वहाँ जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ने किस बॉय को बुलाने के लिए बोला है? नहीं पता चलेगा. तो इसीलिए वो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि मैम ने आपको ये तो बताया ही नहीं कि आपको मैम ने किस बॉय को बुलाने के लिए बोला है, ठीक है. अब मैं बोलती हूँ कि बेटा आप जाइए और अभिनव को बुलाइए, या फिर आप बेटा जाइए और आदित्य को बुलाइए. तो अब आप जाएंगे और उन बॉयज में से अभिनव और आदित्य को बुला के ले आएंगे. तो आपको पता चल गया कि किसको बुलाना है. तो ये अभिनव और आदित्य क्या है? एग्जैक्ट नाम है किसी पर्सन में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. और बॉय क्या हो गया? हमारा कॉमन नाउन. ओके, सेम गर्ल. अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटा आपको किसी गर्ल को बुलाना है, तो गर्ल में आपको ये नहीं पता चला कि मैम आपको किस गर्ल को बुलाने के लिए कह रही है, ठीक है. बट अगर आपको मैं बोलती हूँ बेटा आपको अंजलि को बुलाना है या तान्या को बुलाना है, तो अंजलि और तान्या प्रॉपर नाम है किसी के नेम के. ओके, किसी का नेम है, ये प्रॉपर एग्जैक्ट नेम है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाम. ओके, नेक्स्ट इज स्कूल. अब आप बोलते हैं कि मैम मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं, तो स्कूल का डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं हर स्कूल के, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? बट अगर आप ये बोलेंगे कि आई स्टडी इन श्री राजेंद्र मेमोरियल अकेडमी, तो ये प्रॉपर क्या हो गया? ये प्रॉपर स्कूल का नाम है, इसीलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाम. और स्कूल क्या होगा? आपका कॉमन नाम. ओके, सिटी. अगर आप बोलेंगे कि मैम आज मैं ये एक सिटी में घूमने जा रहा हूँ, तो सिटी एक प्लेस तो है, ठीक है. कि आपको सिटी से मुझे पता लग गया कि आप किसी शहर घूमने जा रहे हैं, किसी प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है. तो नेम ऑफ प्लेस तो क्या होते हैं? नाउन होते हैं. तो सिटी नाउन हुआ, बट कैसा? कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आप कौन सी सिटी में घूमने जा रहे हैं. बट अगर आप बोलते हैं कि मैम मैं देहरादून घूमने जा रहा हूँ, या मैं जयपुर घूमने जा रहा हूँ, या मैं दिल्ली घूमने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने नाम बता दिया कि आप कौन सी सिटी में घूमने जाएंगे. देहरादून, जयपुर, ये सब क्या हो गया? आपके प्रॉपर नाम. सेम विलेज. आप बोलेंगे मैम मैं विलेज में रहता हूँ,
ठीक है। विलेज यानी गांव, गांव यानी कि जगह है, गांव कोई जगह होगी, कोई प्लेस होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, नाउन नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो ये कैसा नाउन है, कॉमन, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आप कौन से विलेज में रहते हैं। बट अगर आप बोलते हैं कि मैम मैं बटकोट में रहता हूँ, या मैं नौगांव में रहता हूँ, या मैं उत्तरकाशी में रहता हूँ, या मैं पुरोला में रहता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कि आप एग्जैक्टली कौन से विलेज में रहते हैं। तो ऐसे प्लेसेस के नाम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। सी देखिए, जो डे और मंथ होते हैं, जो डे है और जो मंथ है वो कॉमन नाउन है हमारे, बट जितने भी डेज के नाम हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है, बट डे वर्ड क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से डे की बात हो रही है। मंथ, मंथ भी कॉमन नाउन है, पर जितने भी मंथ्स के नेम हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जो नाम है मंथ्स के, ये सब क्या है, आपके प्रॉपर नाउन। ओके, अब इन एग्जांपल से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं होते, जबकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये देखिए, ये वर्ड्स आप देख रहे होंगे, इनका पहला लेटर क्या है आपका, कैपिटल। क्यों है ये नाम वर्ड कैपिटल, क्योंकि ये खासियत होती है प्रॉपर नाउन की, उसका फीचर है ये कि वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, जबकि कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट बुक की रिवाइज डेफिनेशन ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आर द जनरल नेमिंग वर्ड्स ऑफ प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स, वेयर एज प्रॉपर नाउन आर द एग्जैक्ट नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग। थैंक यू।